नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज जो सबसे पहली खबर निकल करके आ रही है फ्रेंड्स, वो पेट्रो की तरफ से है। पेट्रो क्या है मैं आपको बता दूं, एक क्रिप्टो करेंसी है वेनेजुएला कंट्री की। वहां के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर माडुरो जी, उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि उनके देश की जो पेट्रो क्रिप्टो करेंसी है वो 6 एक्सचेंजों पर लॉन्च होगी और वहां पर आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। और उनको पूरी तरीके से अप्रूव कर दिया गया है कि आप इस क्रिप्टो करेंसी को 6 के 6 एक्सचेंज पर आप बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी बात है किसी भी कंट्री के लिए कि उसका प्रेसिडेंट ने अनाउंसमेंट किया है, लीगलाइज किया है, अप्रूव किया है पूरे देश में क्रिप्टो करेंसी चलने के लिए। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। दूसरी खबर फ्रेंड्स बहुत ही धमाकेदार निकल करके आ रही है चाइना कंट्री से। जैसा कि आपको बताया, चाइना कंट्री में कभी न्यूज आती है कि बैन हो गया, कभी आता है कि नहीं बैन है। वहां पर भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए प्रॉब्लम चल रही है। तो फाइनली वहां पर क्या हुआ है फ्रेंड्स कि चाइना कैन नाउ एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी लीगली डिक्रेस कोर्ट। वहां के कोर्ट ने कुछ आदेश दिया है कि वहां के जो मर्चेंट हैं वो आप अपने लीगल तरीके से बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को बाई सेल कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना से बहुत अच्छी खबर है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर चाइना में क्रिप्टो करेंसी लीगल होती है तो बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में उछाल आएगा। जी हाँ, क्योंकि चाइना कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहां पर क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा है, और साउथ कोरिया में भी बहुत बड़ी मार्केट है, चाइना में भी बहुत बड़ी मार्केट है। तो वहां पर बाइंग सेलिंग बहुत ज्यादा होती है, फंड्स बहुत हैं। तो चाइना से अगर अच्छी खबर आ जाती है, लीगल पूरी तरीके से कर दिया जाता है, तो आने वाले टाइम में हम बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में उछाल अच्छा खासा देख सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स तीसरी जो खबर निकल करके आ रही है वो अपने भारत से है। भारत में फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। जी हाँ, हमें टाइम लगता है देखने में, सोचने में, समझने में, लेकिन टैलेंट बिल्कुल भी कम नहीं है इंडिया के अंदर। यही चीज यहां पर निकल करके आई है। इंडिया से ये खबर है फ्रेंड्स कि जो डेवलपर्स हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, वो इंडिया का जो रैंक आया है वो 2nd नंबर है। जी हाँ, बहुत बड़ी अपने आप में खबर है। अमेरिका 1 पर है। अमेरिका कंट्री में सबसे ज्यादा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जो डेवलपर्स हैं, जो लोग बनाते हैं टेक्नोलॉजी को, जो लोग काम करते हैं, वो अमेरिका कंट्री में है सबसे ज्यादा। दूसरा रैंक जो आया है फ्रेंड्स अपने भारत देश का आया है। तो बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जो भी डेवलपर्स हैं वो दूसरे रैंक पर बिलोंग कर रहा है। इतने कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, आप समझ सकते हैं, उसके बाद दूसरे रैंक पर बिलोंग करना ये अपने आप में खुशी की बात है। हमें प्राउड फील होता है कि हम इंडिया से हैं फ्रेंड्स। आपको ये बात कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तीसरे रैंक पर जो है फ्रेंड्स वो यूके है, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड को पीछे कर दिया है भारत ने, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हमें। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगली खबर है बहुत ही चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक देखा बिटकॉइन से आप बहुत चीजें बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मॉल में एक्सेप्ट होता है, बिटकॉइन के एटीएम लगे हुए हैं। लेकिन अभी जो यहां पर फ्रांस से जो खबर निकल करके आ रही है बहुत ही दिल को छूने वाली खबर है। खबर यह है फ्रेंड्स कि वहां पर जो भी बिजनेस मैनेजमेंट के जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने ये फैसला लिया है कि हम बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में फीस एक्सेप्ट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है कि कॉलेज में फीस भी एक्सेप्ट होना शुरू हो चुकी है। आने वाले टाइम में फ्रांस का नकल और भी कंट्रीज जरूर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और आने वाले टाइम में आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी से आप पेमेंट दे करके पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में कब तक होगा सबसे बड़ा सवाल है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल हमें नहीं लगता कि बहुत जल्द ये फैसला होगा। लेकिन आने वाले टाइम में 2020-22-25 तक हम इस चीज को इंडिया में भी देख सकते हैं। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में हमें कमेंट्स करके आप अपना राय दे सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में फ्रेंड्स अगली खबर जो फ्रेंड्स है वो बहुत अच्छी है, यूक्रेन कंट्री से। वहां की यूक्रेन की गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है वो बहुत ही धमाकेदार है। भारत को इससे सीख लेनी चाहिए, काम करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। यूक्रेन की गवर्नमेंट ने जो सोचा है अभी कि हम फाइनली क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से लीगल कर देंगे, सोचने के बाद, समझने के बाद, कितना परसेंटेज टैक्स लगाया जाए, किस तरीके से आईसीओ को रेगुलेट किया जाए, टैक्स कितना लगाया जाए, एक्सचेंज को कैसे लीगल किया जाए, आईसीओ जो स्कैम कैसे होते हैं उनको कैसे बचाया जाए। तो आने वाले 2021 तक, मतलब 3 साल का उन्होंने टाइम लिया है, धीरे धीरे करके पूरी तरीके से उसको लीगल कर देंगे। तो यह एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूक्रेन बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, बहुत आगे कंट्री नहीं है, बहुत नॉर्मल कंट्री है। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छी खुशखबरी है। अगली खबर फ्रेंड्स जो निकल करके आ रही है बहुत ही टिम ड्रैपर जी की तरफ से है। आपको मैं बता दूं टिम ड्रैपर क्या है।
बहुत बड़े प्रिडिक्शन करते हैं क्रिप्टो करेंसी के, खास करके सबसे बड़े इन्वेस्टर कह सकते हो आप, या बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं क्रिप्टो करेंसी के। इन्होंने पिछले साल ही कहा था कि $10,000 को बिटकॉइन छू जाएगा, तो लोग नहीं मान रहे थे क्योंकि $1,500 का बिटकॉइन था, लेकिन उन्होंने ऐसा कह दिया कि $10,000 को छू जाएगा, तो लोग गलत बोल रहे थे कि टिम ड्रैपर जी ने गलत बोला, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आपने देखा $10,000 के 18,000 को भी छू गया। तो इन्होंने एक प्राइस प्रेडिक्शन और किया है, और एक चीज बहुत ही अच्छी खबर कही है इन्होंने कि बिटकॉइन बहुत जल्द पंप होने वाला है। रीजन क्या है कि जो बक्ट का प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो हो सकता है कि बक्ट के प्लेटफॉर्म से, मुझे भी उम्मीद है कि 12 दिसंबर को बक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, उससे पहले बक्ट कंपनी क्या करेगी, बाई जरूर करेगी बिटकॉइन को, और हो सकता है बिटकॉइन में हम $8,000-9,000 तक डॉलर तक हमें दिखाई दे सकता है। आपका क्या मानना है वो भी हमें बता सकते हैं आप। अगली खबर फ्रेंड्स जो निकल करके आ रही है वो रसिया कंट्री की तरफ से है। रसिया पूरी तरीके से, वहां की जो गवर्नमेंट है वो सोच रही है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस है, जो भी क्रिप्टो करेंसी है आईसीओ है, वो पूरी तरीके से रेगुलेट कर दिया जाए। बहुत अच्छी खबर निकल करके आ रही है, सोच रही है गवर्नमेंट, जैसा कि मैं बार बार बताता रहता हूँ हर एक वीडियो में लगभग, कि ब्लॉकचेन हो या क्रिप्टो करेंसी हो, दोनों ऐसी चीज बन चुकी है जो आने वाले टाइम में सभी गवर्नमेंट को लीगल करना पड़ेगा। आज नहीं लीगल करेंगी तो 2-4 साल बाद लीगल करेंगी, लेकिन जरूर करना पड़ेगा क्योंकि इसके एडवांटेज बहुत ज्यादा है। हाँ, डिसएडवांटेज भी है, मैं भी अग्री हूँ, बुरी चीज भी है इसमें और मिसयूज भी होता है, लेकिन मिसयूज तो हर एक चीज में होता है, तो जिसका एडवांटेज ज्यादा है वो चीज ज्यादा प्रेफर करना चाहिए हमारे हिसाब से। तो ये थी फ्रेंड्स रसिया से खबर। अगली खबर फ्रेंड्स बहुत ही धमाकेदार है, इंडिया के जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक हिटाची कंपनी है, जापान की कंपनी है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसने क्या किया है, समझौता किया है, पार्टनरशिप किया है इंडिया के SBI बैंक से। होगा क्या फ्रेंड्स, जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं इनका ये समझौता हो गया कि डिजिटल ट्रांजेक्शन जितने भी होंगे इनके थ्रू होंगे। तो ये एक अपनी आप में बहुत बड़ी बात है कि जापान जैसी कंट्री से कोई कंपनी इंडिया के यहाँ पर पार्टनरशिप करती है, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। हिटाची के बारे में बता देते हैं, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, $2.9 trillion मार्केट कैप है इसकी, और सबसे बड़ी खास बात क्या फ्रेंड्स कि 3 लाख एम्प्लॉय इसमें काम करते हैं, और सबसे बड़ी खास बात क्या है फ्रेंड्स कि 1910 की, आप समझ सकते हैं 100 साल पुरानी कंपनी है ये। तो इतनी बड़ी कंपनी, इतनी पुरानी कंपनी, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, उसने भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर पार्टनरशिप किया है। तो ये थी फ्रेंड्स सभी न्यूज़ मैंने कवर करने की कोशिश की है। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स 3 ऐसे क्वाइन के बारे में जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, और तीनों कॉइन के बारे में हम एनालिसिस करेंगे कौन सबसे ज्यादा फायदा देगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कॉइन है फ्रेंड्स इथेरियम क्लासिक, आज से नहीं बहुत पहले से बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, ये कॉइन आपको बाइनेंस पर अवेलेबल है। सबसे बड़ी खास बात क्या फ्रेंड्स कि ये कॉइन कॉइन बेस ने लिस्ट कर दिया है, तो आने वाले टाइम में हमको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर करंट प्राइस की बात करें तो अभी $9 का चल रहा है, अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो $45 को ये टच करके आया है। जो मेरा प्राइस प्रिडिक्शन है वो $25-30 आपको आसानी से मिल सकता है, मतलब 3x यहाँ से इजिली दे सकता है अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है, क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर ही पूरी क्रिप्टो मार्केट है। उसके बाद में फ्रेंड्स अगला कॉइन की बात कर लेते हैं, बाइनेंस कॉइन BNB जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और अभी करंट प्राइस जो है वो $9.4 का है। बाइनेंस कॉइन बाइनेंस एक्सचेंज पर अवेलेबल है, जो इसका ऑल टाइम हाई रेट है वो $24 का है। प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट तो बहुत दमदार है, क्योंकि बाइनेंस एक्सचेंज आपको पता है top 1 top 2 top 5 में रहता है, तो अगर इतना अच्छा एक्सचेंज चल रहा है, जैंग पेंग जो CEO है बाइनेंस एक्सचेंज के, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आगे ले जा सकते हैं। फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है, इस कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं, और जो $24 को टच करके आया है, अगर इस कॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन में बताऊं तो $20 आपको इजीली देखने को मिल सकता है, मतलब यहां से आपको 2x मिल सकता है। अगले कॉइन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कॉइन है, फेवरेट तो नहीं कहूंगा लेकिन कॉइन बहुत दमदार है, जी हाँ, नियो कॉइन, चाइना का ईथर बोला जाता है, बहुत ही अच्छा कॉइन है, बहुत ही सॉलिड पोटेंशियल वाला कॉइन है। ये कॉइन एक ऐसा कॉइन है जो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट रियल में दे सकता है। करंट प्राइस की बात करें तो $15.5 के आसपास है, और हाईएस्ट इसका रेट चार्ट की बात करें तो $160 प्लस को भी आया है। तो आप समझ सकते हैं कि तीनों कॉइन में इथेरियम क्लासिक $45 को छुआ है, बाइनेंस कॉइन ने $24 को छुआ है, और नियो कॉइन $150 प्लस को छुआ है।
तो अगर तीनों में अगर हम कंपेयर करें यहां पर कि कितना ज्यादा रेट आपको मिल सकता है, कितना प्रॉफिट मिल सकता है, तो यहां पर आपको 2x 3x इथेरियम क्लासिक दे सकता है, बाइनेंस क्वाइन भी 2x 3x दे सकता है, नियो क्वाइन की भी कैपेसिटी है 3x की, लेकिन नियो क्वाइन आपको 5x भी दे सकता है। जी हाँ, इसकी क्षमता की अगर हम बात करें तो $100, $50, $80, $150 को भी हम देख सकते हैं। तो अगर आप मेरी राय लेंगे कि कौन से कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर नियो को इन्वेस्टमेंट के लिए कहूँगा। आप नियो को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस प्राइस में मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में मिलेगा। तो उसके बाद में फ्रेंड्स, यही थी तीनों कॉइन में कंपैरिजन। आप हमें बताइएगा कौन सा कॉइन इन्वेस्टमेंट लायक है, कौन सा आपको लगता है कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। मैंने अपना बता दिया विचार कि नियो कॉइन सबसे ज़्यादा देगा, आप अपना राय जरूर दीजिए। उसके बाद में फ्रेंड्स, लास्ट खबर जो है वो हमने अभी पिछले वीडियो में कवर किया था। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज शेयर किया जाए, एक सेमिनार रखा जाए छोटा सा, जहां पर लोग आए और सीखने को मिले। क्रिप्टो करेंसी होती क्या, एक्सचेंज क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है कि लखनऊ रखा जाए, बहुत सारे लोगों ने किया है कि कानपुर रखा जाए। तो लखनऊ या कानपुर आपको चूज करना है, और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग कानपुर या लखनऊ से हैं, सभी लोग मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूं कानपुर के नाम से या लखनऊ के नाम से। उसमें सभी लोगों को ऐड करूंगा और पूरी राय होगी कैसे क्या किया जाए, कैसे यहां पर ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि सभी को हेल्प हो सके। और लास्ट में फ्रेंड्स, यही कहूंगा, आप अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, कमेंट में भी लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा अपडेट मिलेगी वहां पर। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, फ्री में सिग्नल्स भी मिलेंगे, तो आप वहां का एडवांटेज ले सकते हैं। पेड ग्रुप को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, जिनका बहुत ज्यादा लॉस हुआ है क्रिप्टो करेंसी में, एक्सपीरियंस की वजह से कम एक्सपीरियंस है, वो लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा आपको मिल सकता है फ्रेंड्स। तो यही थी आज की न्यूज, और ये कॉइन के बारे में शेयर करना बहुत जरूरी था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्द दूसरी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।